जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ जी, जय बोले। जय बोले जी। सर, मैं कोटा राजस्थान से राकेश मोड़ा बोल रहा था। हाँ जी। सर, जैसा कि आपको मैंने व्हाट्सएप पे बताया था कि मैंने अपना मेडिकल भी करा लिया था और फॉर्म वगैरह भर दिए थे। हाँ जी। तो मैं आज यहाँ कोटा में पीएनबी बैंक में गया, 1 तारीख थी, बैंक तो खुला हुआ था। बैंक खुला हुआ था? हाँ, बैंक खुला हुआ था। अच्छा। और लेकिन इन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो वहाँ से शाइन बोर्ड से फॉर्म ही नहीं आए हैं। अच्छा। अब ये इस तरह की पोजीशन बन रही है कि मैंने कहा सर, शाइन बोर्ड के यहाँ से फॉर्म तो आ जाना चाहिए, 1 अप्रैल से सब जगह बटने शुरू हो गए। हाँ जी। ऐसे तो फिर हमारे को 29 तारीख का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो यात्रा परमिट चाहिए, वैसे कैसे मिलेगा फिर वो? हाँ जी। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो क्या शाइन बोर्ड ने फॉर्म भेजे नहीं क्या वहाँ से अभी तक भी? जबकि शाइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेटेड था कि भाई इन बैंक में मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो इसके लिए सर ये प्रॉब्लम हर बार की है, अब इसको फेस करनी पड़ेगी। ये किस्मत की बात है, ये हर मैक्सिमम हर साल ऐसे होता है। कुछ बार कोरियर लेट हो जाते हैं, कुछ बार बैंक वालों को पता ही नहीं होता है। पर हाँ, मेरे ख्याल से 4-5 दिन में सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन उस 4-5 दिन में नुकसान ये होगा कि जिन्होंने टिकटें बुक करा ली, जिनका प्लान फिक्स है बेचारों का, उनको अपने हिसाब से परमिट नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, वही टेंशन वाली बात है कि भाई जैसे अपन ने 15 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, और तो वो बड़ी प्रॉब्लम रेटिंग नहीं हो जाएगा। हाँ, वही एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा सबके लिए ना। एक आप इसमें था कि ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग वहाँ पर कोरियर भी कर सकते हैं, इस तरह का कुछ वहाँ पर वेबसाइट पर आपकी वीडियो में दोनों में डला हुआ है ना। लेकिन सर, उसमें क्या गारंटी कि हम जो 29 तारीख चाह रहे हैं वो डेट मिल पाएगी? अगर वैसा हो तो उसमें ये है कि जैसे हमने अपने 24 तारीख को ही भेज दिए थे सारे पेपर। अच्छा। आज या कल में हमारे पहुंच जाएंगे, 5 या 6 दिन लगते हैं ना। ओके। तो जैसे शुरू में पहुंचेंगे तो उस टाइम तक तो किसी का ही नहीं होंगे, तो हमें मिल जाते हैं। अच्छा। शुरू में अगर पहले भेजो, इसलिए हमने राजस्थान जाके अपना मेडिकल कराया और जितने भी लोग साथ में सबका ग्रुप से भेज दिया। तो आज या कल में पहुंचेंगे, चाहे हमें 28 मिल जाए चाहे हमें 29 मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, अगर मैं आज भेजूं तो फिर मेरा तो 5-6 दिन तो वैसे लग जाएगा, तो शायद बैंक में आ जाए। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है और ऑनलाइन भी शुरू नहीं कर रहे हैं लोग, और बैंक वाले मना कर रहे हैं। कहानी है, क्या है कि एक्चुअली अब शाइन बोर्ड का सिस्टम कैसा है ये पता नहीं, पर ये है कि यात्रा सिस्टम लग रहा है सर, मैंने जो आपके वीडियो में देखा, कई लोग तो बेचारे मेडिकल के लिए परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर उनको वहां से भगा देते हैं, लोग रो रहे हैं बेचारे जाके। पर ये ना गवर्नमेंट का काम है, हम भी इसमें वो नहीं कर सकते, और अगर ये प्राइवेट होता तो इतनी दिक्कत आती ही नहीं, इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये है कि हम लोग भी 2-3 महीने परेशान होते हैं अभी, और फिर बाद में हम भी भूल जाते हैं। तो पिछली बार मैंने शाइन बोर्ड को मेल भी किया था, इस बार मेरा प्लान है कि यात्रा खत्म होने के बाद ना एक एप्लीकेशन या मेल बना के जो जो परेशानियां आई, लोगों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है सब कुछ, और एक बार गवर्नमेंट को भी साथ लेके कि इतना परेशानी होगी तो लोग यात्रा नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाए, और सबका एक लेकर के कॉमन लेटर बना के जिसके सिग्नेचर चाहिए सिग्नेचर एड्रेस समेत भेज देता हूं इतने लोगों को। हाँ, यही करेंगे। तो आपकी जैसे आपकी स्टेट से आप मुझे कर देंगे साइन करवा के, तो उससे प्रेशर कितने 4,000-5,000 लोगों का लेटर जाएगा, तो उनको और प्रॉब्लम मेरे पास सारी लिखी हुई है, और मेरे पास इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी है। अगर मुझे शाइन बोर्ड आज कहे कि 1 साल दे दे मुझे, तो अगले साल लोगों को 1 पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बताइए, इतना बड़ी अमरनाथ जी यात्रा है, इतने सारे क्वेश्चन है लोगों के पास, लेकिन इनके पास से मतलब कॉल सेंटर में एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा बताओ। कई बार उठाता है, कई बार नहीं उठाता, बताओ कितनी बड़ी परेशानी है। पर कोई बात नहीं, भोले बाबा सब देख रहे हैं, टाइम से सब कुछ ठीक होगा, मेरा मानना ही है, इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। मेरे लिए क्या सजेशन है आपका कि मैं ऑनलाइन भेजूं या सॉरी ऑनलाइन में क्या कुरियर से भेजूं या एक दो नहीं, सिंगल बंदे का 5 या 5 सिंगल नहीं सर, मेरे साथ में 10 बंदे हो गए हैं टोटल, हम लोग 10 लोग हैं। आपको कौन सी डेट चाहिए? भाई आपके साथ में मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा, 28 ही चाहिए सर। तो अगर आपका हो गया तो मेरे ख्याल से आप ग्रुप रजिस्ट्रेशन के भेज दीजिए, और आपने 28 तक डालिए, 28 डालिए। अच्छा। 28 मिल जाए तो बेस्ट है ना, 29 ले लीजिए आप, मिल जाएगा वहाँ। तो मैं कोरियर ही कर दूंगा। हाँ, क्योंकि ग्रुप रजिस्ट्रेशन में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, और एफर्ट है ना उसमें, मतलब आपको DD बनाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना। लोग बैंक में जाके ज्यादा करते हैं विश्वास, तो आप वहाँ भेज दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है आपको, एक और बताऊं मैं, वहाँ तो आप भेज दीजिए DD बना के, और अपने स्कैन कॉपी रख लेना मेडिकल की, इनकेस ऑनलाइन खुलते हैं, ऑनलाइन खुल जाते हैं जैसे ही,
जी मेरी बात समझ रहे हैं आप, लेकिन उसमें आपका थोड़ा हाँ, नुकसान समझ गया मैं आपकी बात, आपकी बात समझ गया। ऑनलाइन खुलता है, स्कैन कॉपी हम दे करके वो फटाफट वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है, पर अगर आपका वहाँ से फोन आ जाता है कि आपको मिल जाएगा तो आप ऑनलाइन मत करना, तो बाकी लोगों के काम आ जाएगा। ठीक है ठीक ठीक है, लेकिन सर मैं पूछ रहा हूँ अगर मान लो वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो फिर अपन तो कहेंगे नहीं रहेंगे ना। नहीं फिर एक ऑप्शन और है कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वहाँ जाके करवाने का, हाँ पर ये दिक्कत है वहाँ से मुश्किल है चांस, क्योंकि ऑनलाइन कम लोग भेजते हैं मेरे ख्याल से। मेरे पास अभी तीसरा कॉल आया आपका जो ट्राई करेंगे, पहला हमने भेजा है और एक अंकल जी आसाम का उनका भी हमने भिजवाया दूसरा, वो 10 लोग हैं। ओके तो हमारे 40 लोग हमारे हैं, 50 फॉर्म हो गए, बाकी ऑनलाइन पड़े रहते हैं उनके पास, कोई दिक्कत नहीं। आप 28 तक डालना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि दो अभी जो पहुंचे हैं कहां से बुक हो गए है ना 28 के, तो नहीं मिल रही 28 29 दे दो हमें बस, 29 से ऊपर नहीं चाहिए। यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।